औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलियुल अज़ीम। पनाह मांगता हूँ शैतान मर्दूद के शर से और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे आज ये मौका हमें दिया कि अदालत आलिया ने मेरी बेटी को जुमे वाले दिन कस्टडी कॉल की है और बच्ची की कंसेंट पूछने के लिए बुलाया है। मैं स्पेशली तमाम लोगों का जो पाकिस्तान में रहते थे या पाकिस्तान में बाहर रहते थे मेरे लिए दुआएं करते हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी बेटी के लिए, मेरी फैमिली के लिए जितनी दुआएं की हैं अपनी नमाज़ों में, अपनी दुआओं में हाथ उठाकर उन्होंने हमारे लिए, हमें याद रखा। और इवन मैं उन नॉन मुस्लिम्स लोगों का भी शुक्रिया अदा करूँगा, मेरे पास बेतहाशा मैसेजेस आते हैं जो कि वो लोग जो मेरे रिलीजन से भी ताल्लुक़ नहीं रखते, क्योंकि बच्चियाँ तो सबकी सांझी होती हैं, तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मेरे लिए दुआएं की। बहुत से इंडियंस जो कि मेरे रिलीजन से ही ताल्लुक़ नहीं रखते, वो लोग मेरे लिए मुझे बहुत मैसेज करते हैं और दुआएं करते हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपनी वेल विशेस में हमें याद रखा, हमारे लिए अपनी नेक ख्वाहिशात की। पाकिस्तान की अदालतों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज ये मौका दिया कि बच्ची को जुमे वाले दिन 6 जनवरी को बुलाया जा रहा है ताकि उसकी कंसेंट पूछी जा सके। मैं आप सब हजरात का शुक्रिया अदा करूँगा और स्पेशली मीडिया पर्सन, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि ये आप सब मेरी आवाज़ बने और आप सब लोगों की वजह से ये पॉसिबल हुआ। और इसमें कोई शक नहीं, जिब्रान नासिर, मैं समझता हूँ उनका नाम लेना तो ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं कि मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूँ, उन्होंने इस केस में जितनी अनथक मेहनत की है उनका बेपनाह शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये केस जल्द बच्ची को बुलाने के बाद, उसकी कंसेंट पूछने के बाद एज़ पर लॉ बच्ची की कस्टडी हमारे हवाले करे और उसके बाद ये केस अपने अंजाम को पहुँचे, जल्द अपना ट्रायल मुकम्मल करे। मैं आप सबका एट दी एंड एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूँगा।